आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीर योद्धा की जिसका नाम सुनते ही अंग्रेज अफसर थर थर कांपते थे। नाम था पीर अली खान। पीर अली खान वह क्रांतिकारी जो आजादी के लिए फांसी के तख्ते से भी नहीं डरा। यूपी की पैदाइश और बिहार का कर्मभूमि बनाने वाला पीर अली खान की आज हम कहानी सुनेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में पीर अली खान का चर्चा बहुत कम है। अगर हम इतिहास के पन्ने को पलटेंगे तो पाएंगे कि देश की आजादी के लिए ना जाने कितने वीर सपूत ने अपना प्राण न्यौछावर कर दिया। कुछ का जिक्र तो इतिहास की किताबों में मिल भी जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी वीर सपूत हैं जिनकी चर्चा या कहें उनकी शौर्य गाथा का जिक्र कम ही हुआ है। वैसे ही हैं हमारे वीर सपूत पीर अली खान। आज हम बात करेंगे भारतीय क्रांतिकारी और स्वतंत्रता आंदोलन के नायक पीर अली खान की। पीर अली खान का खौफ ऐसा था कि उनके अंदर से निकलने वाली आजादी की चिंगारी अंग्रेजों को डराने के लिए काफी था। आंखों में दिखती थी आजादी की चिंगारी, खौफ बताती थी अंग्रेज हुकूमत। स्वतंत्रता आंदोलन के वीर सपूत पीर अली खान की कहानी। पीर अली खान एक भारतीय क्रांतिकारी और विद्रोही थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता में भाग लिया। 1887 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। खान पेशे में एक बुक बाइंडिंग करते थे। पीर अली खान का जन्म साल 1812 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के मोहम्मदपुर गांव में हुआ था। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले ग्राम मोहम्मदपुर में हुआ था। हालांकि 7 वर्ष की आयु में वह अपना घर छोड़कर पटना चले गए थे। उन्हें 7 वर्ष के आयु में ही अपना घर छोड़ दिए थे। पटना पहुंचने के बाद उनका पालन पोषण वहां के एक जमींदार के घर हुआ था। नाम था नवाब मीर अब्दुल्ला। पीर अली खान जब बड़े हुए तो उन्हें नवाब मीर की मदद से एक किताब की दुकान खोली। पटना में खुली यह दुकान उस समय क्रांतिकारियों का अड्डा बन गया। देश की आजादी को लौ सीने में लिए और अंग्रेजों को मात देने का इरादा रखने वाले हजारों लोगों का वह जमावड़ा लगने लगा। इसे देखते हुए पीर अली खान अपनी दुकान में क्रांतिकारी साहित्य मंगाने लगे। अपनी दुकान में क्रांतिकारी लोगों को जमावड़ा को देखते देखते उनके मन में भी आजादी का लेकर जोश उमड़ने लगा। बाद में उन्होंने देश को आजादी को ही अपना लक्ष्य बना लिया। 3 जुलाई 1857 यह वह तारीख थी जब पीर अली खान ने देश के लिए पहली बार अंग्रेजों से लोहा लिया था। 200 क्रांतिकारियों के साथ पीर अली ने पटना के एक प्रशासनिक भवन पर हमला कर दिया। ऐसे वीर सपूत थे जो कि अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ इन्होंने पटना के एक प्रशासनिक भवन पर हमला कर दिया। यह हमला विलियम टेलर पर किया गया था। एक अंग्रेज अफसर विलियम टेलर था उस पर हमला किया गया। टेलर तो बच गया लेकिन डॉक्टर लायन मारा गया और दूसरा अफसर जो डॉक्टर लायन था वो मारा गया। लायन अफीम एजेंट का प्रमुख सहायक था। क्रांतिकारी भी कई थे जो शहीद हुए। कहा जाता है कि पीर अली खान ने अंग्रेजों के खिलाफ कई पर्चे और
कोडेड संदेश भिजवाते थे अंग्रेजों को, इसका भी भनक लग गई थी। हमले के बाद 33 लोगों के साथ गिरफ्तार हुए पीर अली पटना में प्रशासनिक भवन में हमले के बाद पीर अली खान अपने 33 लोगों के साथ गिरफ्तार हुए थे। उस वक्त का डिप्टी मजिस्ट्रेट मौला बख्श ने पीर अली के घर और उनकी दुकान की तलाशी ली। वहां से उन्हें कुछ घातक हथियार और चिट्ठियां मिली थी। हमले से संबंधित यह सबूत पर्याप्त थे। 33 में से 21 लोगों को एक ही दिन पेड़ के सहारे फांसी पर चढ़ा दिया गया था। जो हमारे क्रांतिकारी वीर सबूत थे, उनके अंग्रेज हुकूमत के अफसरों ने 33 में से 21 लोगों को एक ही दिन पेड़ के सहारे फांसी पर चढ़ा दिया था। पीर अली को छोड़ दिया गया क्योंकि विलियम टेलर उनसे कुछ जानकारियां जानना चाहता था। फांसी की सजा सुनकर नहीं कांपा कलेजा, वो हमारे वीर सपूत पीर अली खां थे। अंग्रेजों को लगा कि फांसी की सजा सुनते ही पीर अली खां डर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फांसी की सजा सुनने के लिए पीर अली खां को अकेले पूछताछ के लिए बुलाया गया। फांसी की जगह बरी करने का सवाल पर पीर अली ने कहा कि कुछ मामलों में जीवन बचाना अच्छा होता है, लेकिन कुछ मामलों में इसे खो देना ही अच्छा होता है। इसके बाद पीर अली ने जो कहा वह वाकई में अंग्रेज अफसर को अंदर से डरा दिया। पीर अली खान ने कहा कि आप बेशक मुझे आज फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम्हारे इरादों को ध्वस्त करने के लिए हजारों क्रांतिकारी जन्म लेंगे। हमारे वीर सपूत पीर अली खान ने ये अंग्रेज हुकूमत को यह संदेश दिया। 1857 में पीर अली खान के शहादत के बाद अब जो पटना उनका जो बुक का दुकान था, उस पटना शहर की बात मैं कर रहा हूँ, अब काफी बदल चुका है। पटना में अभी भी आप जाएंगे तो जो न्यायाधीश कोठी है उसके पर पीर अली खां का अभी भी जो पीर शहीद अली खां पार्क के नाम से यह जगह जाना जाता है, आज भी पीर अली खां की कुर्बानी को हम सलाम करते हैं, हम याद करते हैं।